हेलो टू एवरीवन, और फ्री वीज़ा एडवाइज़र हमेशा से आपकी सेवा में हाजिर है आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट देने के लिए। और इन सब अपडेट्स को मैं ग्रैब करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं चारों तरफ से आपको जो इन्फॉर्मेशन है इकट्ठी करके फिर मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। और इसी दौरान मैं काफ़ी देर तक काफ़ी साइट्स और काफ़ी रिसोर्सेज से मैं ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर जो कनाडा के दौरान जितना भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूट के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे थे, उस समय मैंने उस समय हमेशा ही अथेंटिक खबर दी। जिस समय डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होनी थी उस समय सबसे पहले जो खबर आई हमारे चैनल पर आई थी कि अब जो है इस समय डायरेक्ट फ्लाइट वहां से चल चुकी है और 22 सितंबर के आसपास उसने यहां से मूव करना है। तो मैंने हमेशा ही आप लोगों को अथॉरिटी खबर दी है और आज भी मैं आप लोगों के सामने एक अथॉरिटी खबर लेकर आया हूं कि अभी जो इस समय स्पाउस वीजा है उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। मेरे पास दो लोगों के फोन आ चुके हैं कि उनका स्पाउस वीजा मिल चुका है उनको, यानी कि जो अभी जस्टिन ट्रूडो ने इतना दबाव बनाया है जो इमिग्रेशन मिनिस्ट्री के ऊपर, जिसे हम IRCC भी कहते हैं, तो वो दबाव का असर अब दिखना शुरू हुआ है। यानी कि अब आप जल्दी से जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाए और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी क्लियर हों यहां से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, पैनिक हैं, और कुछ लोगों का तो ये डर है कि हमारा जो रिजल्ट है नेगेटिव अगर आ गया तो उसके बाद क्या होगा। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव भी आता है, यानी कि अगर आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं ये इस चीज के लिए भी इफेक्ट होता है कि आपका रिफ्यूजल आ जाए, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास चांसेस होते हैं। और दूसरा, आप अपील कर सकते हैं। तीसरा, आप अच्छे से अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए इमिग्रेशन लॉयर जो होते हैं वो हायर कर सकते हैं। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है और बहुत जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं। शेनिगन वीजा से रिलेटेड मैंने कल ही आपको एक अपडेट दी थी कि शेनिगन वीजा के अंदर अभी टिप्स एंड ट्रिक्स का मैंने वीडियो अपलोड भी किया है। आप वहां पे जाके चेक कीजिए कि आप कहां पे गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो गलती हो रही है वो हो रही है आपकी डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर करने में, कंप्लीट करने में, उनको अच्छे से प्रेजेंट करने में, तो वो गलती मत कीजिए। तीसरी जो अपडेट है, मैंने अभी थोड़े देर पहले ही कुछ स्कैम के बारे में सुना, जो फ्लाइट से रिलेटेड स्कैम हुआ उससे रिलेटेड वीडियो मैं जल्दी ही आप लोगों के सामने अपडेट अपलोड करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो अपलोड करूं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट में लिखें कि मैं वो स्कैम क्या है वो आपके सामने लेकर आऊं। और इसके अलावा मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है, एक जो मैं अलग से व्लॉग है वो भी एक अलग तरीके का व्लॉग है जिसमें मैं आप लोगों से बहुत हेल्प चाहता हूं, मैं उसमें भी आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहता हूं। और मेरे जो डिस्क्रिप्शन दी गई है इसके नीचे लिंक्स हैं कि आप किस तरीके से फ्रांस से रिलेटेड प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। नैनी कोर्स का अभी मैं एक वीडियो डालने वाला हूं, क्योंकि मैंने नैनी कोर्स अभी हम लोग नैनी कोर्स भी आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करवाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और मैं भी जल्द ही हम आप लोगों के सामने इसको पब्लिश भी करेंगे कि आप लोग नैनी कोर्स भी हमारे थ्रू कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा, कनाडा स्टडी वीजा, सब कुछ जो है मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। आपको असाइनमेंट बनवानी है, असाइनमेंट के लिए भी हम लोग आप लोगों को असाइनमेंट भी बना के देंगे। यानी कि आपको किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। फ्री वीजा एडवाइजर इज ऑलवेज विद यू because I believe that I am the consultant who can provide you each and every kind of information and facilities or services to you. That's why I'm here. So guys, I appreciate your efforts. I appreciate your liking and sharing and each and everything you are doing for Free Visa Advisor. But believe on me and just stay tuned with me, because I am just going to upload many videos related to the latest updates and all other information regarding tourist and tourist experience or exploration. Inhi sab shabdon ke saath, see you later. God bless you. Wish you all the best. Have a nice day. May God bless you. Thank you.